हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम्स किचन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस रेसिपी जिसका नाम है पोहा। इसको आप मॉर्निंग, इवनिंग में कभी भी बना के खा सकते हैं। एंड बहुत लोगों की शिकायत रहती है जो उनका पोहा है वो खिला खिला नहीं बनता है। सो वीडियो के एंड में आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपका जो पोहा है काफ़ी खिला खिला बनेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पे कढ़ाई या पैन, ले जो भी ले सकते हैं आप। इसमें आपको डालना है यहाँ पे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि राई का तेल डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ क्यूमिन सीड्स एंड देन मस्टर्ड सीड्स। यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ पे एक बार जाके जरूर चेकआउट करें। उसके बाद डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हींग। डालने के बाद उसको मैं अच्छे से यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। मिक्स जब हमारा अच्छे से हो जाएगा, याद रखिए आपको जो पोहा है वो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलू, पोटैटोज, ये रॉ पोटैटोज है, कच्चा आलू है। अगर आप नहीं खाना पसंद करते तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। आधा कुक होने के बाद आपको इसमें डालना है कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स डालना है, ये मेन है। उसके बाद आपको यहाँ डालना है ग्रीन चिलीज। अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आप तीखा कम ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आलू को चेक कर लेते हैं कि हमारा आलू हुआ है कि नहीं हो गया है। तो देखिए जो हमारा आलू है वो पूरा कुक हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है। तो देखिए हो गया है। तो अब हम इसमें हम डालेंगे यहाँ पर पीनट्स इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीनट खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज यानी कि यहाँ पे अनियंस डाल रही हूँ, इसमें रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। याद रखिए जो भी है आपको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। उसके बाद कुक करने के बाद ये हमारा हो गया है, डन हो गया है। एक बार फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और इसमें कुछ भी मसाले नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया था, पोहा ले लिया था, चिवड़ा जिसको बोलते हैं, वो अच्छे से उसको मैंने वॉश करके रख लिया था, जिससे हमारा जो पोहा है ये चिवड़ा जो है अच्छे से एकदम खिला एकदम अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप आप सबसे पहले यही करिए कि जो आपका पोहा है अच्छे से उसको पहले भिगो कर रख दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं टर्मरिक पाउडर ऐड कर दे रही हूँ, इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो हमारा पोहा है उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कॉमन रेसिपी है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। उसको डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। उसके बाद यहाँ पर डालें थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसको अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा पूरा कुक हो गया है, डन हो गया है। तो इसमें ट्रिक जो बताने वाली थी आपके साथ, वो ट्रिक ये है कि आपको इसमें डालना है एट द एंड पे आपको यहाँ पे 2 टेबलस्पून मिल्क, रॉ मिल्क है ये, आपको यहाँ पे रॉ मिल्क ऐड करना है। इसके बाद वो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी यहाँ पर अनियंस के साथ एंड देन लेमन जूस यहाँ पर डाल दूँगी। सो हमारा पोहा हो गया रेडी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऊपर से आप यहाँ पे भुजिया नमकीन भी, जो आलू भुजिया होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।